नमस्कार, मैं दयाशंकर राय, भाऊराव देवराज सरस्वती विद्या मंदिर। भैया बहनों, आज हमारी लाला लाजपत राय जी की जयंती है। आज उनकी जन्म तिथि पर और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर कुछ हम अब आपको चित्र के साथ दिखाना चाहते हैं। और लाला लाजपत राय जी की जयंती को हम कई समय से सुनते आ रहे हैं, आज उनकी जयंती है, तो आप सभी से आशा है कि इसको, इसकी जीवनी को ध्यान से सुनेंगे। लाला लाजपत राय, इनका जन्म सन 1865 28 जनवरी को हुआ, मृत्यु 17 नवंबर 1928। भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ऐसे महान लाला लाजपत राय की जयंती को आज मना रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत आजाद भी नहीं हुआ था तब तक संघर्ष फूल ने अपना कार्य किया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के तीन प्रमुख नेताओं में लाल बाल पाल में से एक थे। लाल लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक बंकिम चंद्र पाल में से एक थे। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में वे बुरी तरह घायल हो गए और अंततः 17 नवंबर 1928 को इनके महान आत्मा ने पार्थिव देह त्यागा था। आगे लाला लाजपत राय का जन्म, ये अब इनका जीवन परिचय, अब आप ध्यान सुनिएगा, इनकी शिक्षा, इनका अध्ययन। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में 28 जनवरी सन 1865 को एक जैन परिवार में हुआ था। जैन परिवार में इनका जन्म हुआ। इन्होंने कुछ समय हरियाणा राज्य हरियाणा के जिले रोहतक और जिले हिसार शहरों में वकालत की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। इन्हीं तीन नेताओं ने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। बाद में समूचा देश इनके साथ हो गया। सबसे पहली शुरुआत लाल बाल पाल से आरंभ की गई और आगे चलकर सभी देश के लोग, अन्य साथी इनके साथ मिले। आगे इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती प्रवक्ता रहे। लाला हंसराज एवं कल्याण चंद्र दीक्षित के साथ दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का प्रसार किया। लोग जिन्हें आजकल DAV स्कूल व कॉलेजेस के नाम से जानते हैं। अब जाके दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, ये सभी हमारे जो हंस कल्याण चंद्र दीक्षित के द्वारा थे। लाला जी ने अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर समस्या के दौरान भी लोगों की सेवा की थी। सेवा में ये हमेशा सर्वोपरि रहते थे। 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में वे बुरी तरह घायल हुए। उस समय इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। समझ का मतलब ये है, इतना शरीर पे उत्पीड़न होने के बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई अंग्रेजों द्वारा एक एक लाठी एक एक कील का काम करेगी। और वही हुआ भी। लाला जी के बलिदान के 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों से अधिक परेशान होने के कारण उन्हें अपना देह अवसान होना पड़ा। आगे लाला जी की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा था और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय किया। इन देशभक्तों ने अपने प्रिय नेता की हत्या के ठीक एक महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया गया। लाला जी की मौत के बदले सैंडर्स की हत्या के मामले में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई, जो कि हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।
लाला जी ने हिंदी में शिवाजी, श्री कृष्ण और कई महापुरुषों की जीवनियां लिखी। उन्होंने देश में विशेषतः पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग दिया। देश में हिंदी लागू करने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। तो हिंदी के प्रति भी वो कई अपनी निष्ठा को व्यक्त करते हैं और इसका प्रचार प्रसार व्यक्त करते हैं। जिस तरह आज हमने एक आपके सामने स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती, तीनों उनके जो संगम मित्र थे उनका वर्णन और हिंदी के प्रति उनका झुकाव, बलिदान और देश के प्रति अहित प्रेम, अहित सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले ऐसे महान आज क्रांतिकारी हमारे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लाला लाजपत राय की उन कृतियों को और उनके द्वारा किए गए संघर्ष को आज भी हम याद करते हैं। नमस्कार भैया बहनों, जय हिंद, जय भारत।